नमस्कार, मैं दर्पण आनंद, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस चर्चा का विषय है सर्वर प्रोग्रामिंग, उसके बेसिक्स, उसका आर्किटेक्चर और साथ ही कुछ सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम जानेंगे। सर्वर प्रोग्रामिंग, अब तक के जितने भी सत्र हुए उन वीडियोज़ में हमने देखा कि हम क्लाइंट प्रोग्रामिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्लाइंट प्रोग्रामिंग के लिए हमने HTML, CSS, JavaScript आदि के प्रयोगों को प्रयोग किया। सर्वर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है और कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ रिजल्ट को देखना चाहते हैं। इसको करने के दो प्रकार होंगे, सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हम सर्वर पर डालें और सारे स्टूडेंट्स अपना अपना वेब पेज ओपन करके उस रिजल्ट को देखें, जो कि किसी भी प्रकार से एफिशिएंट तरीका नहीं माना जा सकता। फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रकार है आप सारा डेटा एक सर्वर पर डालें जिसे हम डेटाबेस सर्वर कहेंगे, और कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो यूज़र के रोल नंबर के अनुसार उस डेटा को डेटाबेस से फैच करे और वो पूरा का पूरा रिजल्ट यूज़र तक पहुंचाए। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जहां पर यूज़र वन, यूज़र टू और एन यूज़र एक साथ रिजल्ट देखने के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर्वर इन सबकी रिक्वेस्ट, जो कि या तो यूज़र नेम और या रोल नंबर के अनुसार आई होगी, उस अनुसार ही उन सारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाएगा। सर्वर उस सारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, डेटाबेस से डेटा को फैच करेगा और उस डेटा के अनुसार ही एक रिजल्ट सेट बनाकर या रिजल्ट बनाकर यूज़र तक वापस क्लाइंट पर पहुंचाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही वेब पेज में अलग अलग वैल्यूज़ को डालकर हम क्लाइंट तक पहुंचा जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के लिए तो एक ही HTML होगा, लेकिन क्योंकि रोल नंबर और प्रति विद्यार्थी के अंक अलग अलग हैं, उन अंक के वैल्यूज़ को अलग अलग अगर हम उस पेज पर पुट कर देंगे तो वो पेज इंडिविजुअली स्टूडेंट का रिजल्ट बन जाएगा। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग को हम सर्वर प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा वेब पेज HTML और HTML जैसी कई क्लाइंट लैंग्वेजेस के यूज़ करके बनता है, जिसे हम सामान्यतः स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। स्टैटिक वेब पेज के बारे में हम पिछले कई सत्रों में जान चुके हैं। अब हमें आवश्यकता है सर्वर प्रोग्रामिंग को जानने की, जिससे कि हम डायनामिक वेब पेज भी बना सकें। डायनामिक वेब पेज के अंदर HTML, CSS, JavaScript जैसी क्लाइंट लैंग्वेजेस के साथ साथ कुछ डायनामिक लैंग्वेज को भी रखा जाता है। इन डायनामिक लैंग्वेजेस में हम लोग जानते हैं JSP, PHP, ASP, CGI Script, इस प्रकार की कई लैंग्वेजेस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो रिक्वेस्ट सर्वर पर परफॉर्म होगी, ऐसे डायनामिक पेज के अंदर स्टैटिक पेज कोड तो होगा ही होगा, साथ में डायनामिक या सर्वर प्रोग्रामिंग कोड होगा और उसमें कुछ ना कुछ यूज़र का डेटा होगा जिसके अनुसार ही हम चाहेंगे कि सर्वर पर प्रोग्रामिंग हो। ये एक उदाहरण है JSP का। इसमें आप देखेंगे कि लेस देन और परसेंट साइन के अंदर हम लोगों ने जावा का प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है, और जहां ऊपर आप देख रहे हैं HTML का वही कोड है जो हमने अब तक सीखा और जाना है। इसको अगर हम सेग्रीगेट करें तो जो ये अब चित्र दिख रहा है, ये स्टैटिक पेज को बनाने की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाया गया है, यानी कि स्टैटिक पेज कंपोनेंट्स कहे जा सकते हैं। वहीं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वो कोड है जो ब्राउज़र पर रन नहीं कर सकता, ये केवल सर्वर के लिए बना हुआ कोड है और ये सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वर प्रोग्रामिंग या सर्वर पेज जब बनता है तो उस पेज के अंदर स्टैटिक और डायनामिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो अब समझना है ये है कि ये डायनामिक पेज कैसे काम करता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जैसे ही डायनामिक पेज की रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंचती है तो सर्वर उसमें से प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स को अलग करता है। प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स को अलग कर वो अलग से एक प्रोग्रामिंग फाइल बनाता है। वो प्रोग्रामिंग फाइल सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है और उस कंपाइलर के आउटपुट से जो डेटा आता है उस डेटा को स्टैटिक कंपोनेंट्स की मदद से, जैसे
HTML, CSS या JavaScript की मदद से हम लोग क्लाइंट तक पहुंचाते हैं और क्लाइंट उसको ब्राउजर पर डिस्प्ले कराते हैं। इस चित्र में जैसा आपको ध्यान आएगा कि यूजर ने रिक्वेस्ट दी, यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंची, सर्वर ने उसमें से डायनेमिक कंपोनेंट को फिल्टर किया, डायनेमिक फिल्टर से डायनेमिक कंपोनेंट को फिल्टर करने के बाद उसने एक सर्वर प्रोग्रामिंग बेस्ड फाइल बनाई, उस फाइल को उसने कंपाइलर की मदद से एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट आया उसको स्टैटिक कंपोनेंट की मदद से उसने दोबारा यूजर के पास भेजा और यूजर उस डेटा को अपने ब्राउजर पर आसानी से देख सकता है। इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि सर्वर प्रोग्रामिंग में हमें कंपाइलर की आवश्यकता है तो हर अलग प्रकार के सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए अलग प्रकार के सर्वर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये सब वेब के लिए हो रहा है तो इन्हें हम सामान्यतः वेब सर्वर कह देते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से सर्वर उपलब्ध हैं। PHP भी एक सर्वर प्रोग्रामिंग है जिसको रन करने के लिए हमें XAMPP या वेम्प सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। JSP को रन करने के लिए, जिसे हम जावा सर्वर पेज कहते हैं, हमें टॉमकैट, JBoss, JRun जैसे वेब सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट की ASP टेक्नोलॉजीज के लिए हमें IIS सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इन तीनों लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। PHP का पूरा नाम है पर्सनल होम पेज। PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब है इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इसको अपने प्रोजेक्ट में प्रयोग में ला सकता है। लार्ज स्केल एप्लीकेशंस जैसे कि विकीज और विकिपीडिया PHP प्रोग्रामिंग में ही बने हुए हैं। PHP प्रोग्रामिंग रिच क्लाइंट एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती है, अर्थात PHP के माध्यम से हम क्लाइंट एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। PHP पॉपुलर प्रोटोकॉल्स जो हमें इंटरनेट के लिए और वेब प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक हैं उन सबको सपोर्ट करती है और उन सबकी सारी सर्विसेज PHP के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं। और साथ ही PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है, जिससे कि प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग का मैनेजमेंट आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग आसानी से मॉनिटर की जा सकती है। दूसरा उदाहरण है JSP सर्वर प्रोग्रामिंग। JSP का अर्थ है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज ओरेकल की टेक्नोलॉजी है, पहले सन माइक्रोसिस्टम की थी लेकिन बाद में सन माइक्रोसिस्टम का ओरेकल में विलय हो गया तो ये ओरेकल की टेक्नोलॉजी है। JSP भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कही जाती है और ये जावा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। JSP बहुत सारे ऐसे सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है जहां पर जावा का कंपाइलर होता है, उदाहरण के लिए JBoss, Tomcat, WebLogic आदि। JSP के पास अपनी एक बहुत बड़ी टैग लाइब्रेरी है जिसके माध्यम से बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। JSP सर्वर प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है ये यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले JSP कंपोनेंट या JSP डॉक्यूमेंट सर्वर पर पहुँचता है, उसका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का अर्थ है उसमें से जो जो प्रोग्रामिंग JSP टैग के अंदर लिखी गई होगी उस प्रोग्रामिंग को फिल्टर कर एक प्रॉपर सर्वलेट फाइल बनाई जाती है जो कि एक डॉट जावा फाइल होती है। फिर इस फाइल का कंपाइलेशन होता है और कंपाइलेशन के बाद जैसा कि आप जानते हैं वो बाइट कोड में चेंज होती है, जिसे हम डॉट क्लास फाइल भी कहते हैं। इसके बाद ये डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है। इस एग्जीक्यूशन के बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुँचाया जाता है। इस सत्र की जो आखिरी सर्वर प्रोग्रामिंग है वो है ASP। ASP का अर्थ है एक्टिव सर्वर पेज। एक्टिव सर्वर पेज माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। ASP को एग्जीक्यूट करने के लिए IIS सर्वर का प्रयोग किया जाता है। विजुअल स्टूडियो नाम के एडिटर के माध्यम से आसानी से ASP के प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क भी ASP को सपोर्ट करता है। ASP के अपडेटेड वर्जन को ASP.NET कहते हैं, जो .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। ASP भी PHP और JSP की तरह ही काम करती है। फर्क इतना है, JSP के लिए जावा कंपाइलर बेस सर्वर चाहिए और ASP के लिए ASP कंपाइलर बेस सर्वर चाहिए होता है। ASP सर्वर अर्थात IIS ASP कंपोनेंट्स को कंपाइल करने के बाद I रिस्पॉन्स को स्टैटिक कंपोनेंट पर एम्बेड कर क्लाइंट तक पहुंचाता है और क्लाइंट आसानी से
उसे अपने ब्राउजर पर देख सकता है। तो इस सत्र से हमने जाना कि जहां क्लाइंट प्रोग्रामिंग आवश्यक है, वहां बड़े प्रोजेक्ट और बड़े डेटाबेस को अगर हमें लिंक करना है तो हमें सर्वर प्रोग्रामिंग की भी आवश्यकता है। आज के सामान्य वेब बेस्ड प्रोजेक्ट सर्वर प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोजेक्ट ही हैं। जैसे आप अपना रिजल्ट देखें या किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करें, वो सबके सब सर्वर प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोजेक्ट ही माने जाते हैं। अगले सत्र में वेब टेक्नोलॉजी आधारित कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।